हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर व्हाट्सएप कैसे चलाएं। जैसे कि आप अपने मोबाइल पर चलाते हैं व्हाट्सएप, वैसे ही आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर चला सकते हैं। आप सोचते होंगे कि ये चलाना कैसे मुमकिन है, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर व्हाट्सएप चला सकते हैं, वो भी जैसे कि आप अपने मोबाइल पे चलाते हैं सेम वैसे ही अपने कंप्यूटर या पीसी पर भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर चलती हूँ और बताती हूँ कि आप व्हाट्सएप कैसे चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आपके पास जो भी ब्राउज़र होगा, मोज़िला या फायरफॉक्स या ओपेरा या क्रोम, जो भी ब्राउज़र होगा आप उसे ओपन कर लीजिए। मेरे पास क्रोम है तो मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेती हूँ। फिर आप यहाँ गूगल सर्च बार पर टाइप करें बेब व्हाट्सएप। फ्रेंड्स, जो सबसे पहली लिंक आएगी आपको उस पर डबल क्लिक करना है। ये लिंक ओपन हो रही है, तब तक आप मोबाइल पे देख लीजिए कि मोबाइल पर आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर अपना व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद जो ऊपर थ्री डॉट होंगे वहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको व्हाट्सएप बेब पर क्लिक करना है। अब जो लैपटॉप पर QR कोड आया है उसे आप स्कैन कर लीजिए ये व्हाट्सएप बेब से, इस प्रकार से। ये हमारा स्कैन हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा इंटरफेस हमारे मोबाइल पर रहता है व्हाट्सएप ओपन होने के बाद, वैसे ही यहाँ पर भी है। आप यहाँ पर जिससे चाहे उससे चैट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते, आप यहाँ से स्टेटस देख सकते हैं आपके फ्रेंड्स के। और फ्रेंड्स, आप चला के देख लेना, और जैसे कि आप अपने मोबाइल पर चलाते सेम टू सेम वैसे ही चलाना है। और फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात कि आपको अपने लैपटॉप पर व्हाट्सएप चलाने के बाद लॉगआउट करना नहीं भूलना है। लॉगआउट करने के लिए जी यहाँ ऊपर थ्री डॉट दिख रही हैं वहाँ पर क्लिक करना है, और लास्ट पे जो ऑप्शन आता है लॉगआउट का, तो आप उससे लॉगआउट कर दीजिए। यदि आप लॉगआउट नहीं करेंगे तो आप जब भी अपना लैपटॉप खोलेंगे और जब आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो आपका व्हाट्सएप अपने आप ही ओपन हो जाएगा, इसलिए आपको लॉगआउट करना बहुत ज़रूरी है। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।